हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्रीमेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आज एग्ज़ाम हुआ है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट VSC एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का, उसकी आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर बुकलेट सीरीज आपकी भी है, और आप लोगों की कोई सी भी सीरीज हो, आप लोग क्वेश्चंस पढ़ के उसके बाद उसका आंसर मैच करना, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना निकला। ठीक। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर की ओर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका कि पपीते के पड़ कर्ल विषाणु का प्रसारण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 का आपका आंसर सी से हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी द्वारा, वाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनक अमरूद में उकठा का कारण है। तो यहाँ क्वेश्चन 2 का आपका आंसर ए से हो जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम CD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, पपीते के फूट रोट रोग का कारक है। तो क्वेश्चन 3 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, पीथियम अफेनी डर्मेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ग्लोयिस्पोरियम CD रोग का कारक है। तो क्वेश्चन 4 का आपका आंसर सी से जो है, अमरूद का एंथ्रेक्नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 कि बंची टॉप विषाणु फैलता है। तो यहाँ क्वेश्चन 5 का आपका आंसर ए से ही होएगा, माइट द्वारा यानी कि एफिड, सॉरी माहू द्वारा। क्वेश्चन 3 का आपका आंसर सही हो जाएगा कि पपीते फूट रोट का रोग कारक है। तो क्वेश्चन 3 का आपका आंसर बी सही होएगा, फीथियम अफेनी डर्मेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ग्लोयिस्पोरियम CD रोग कारक है। तो यह अमरूद का एंथ्रेक्नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, बंची टॉप विषाणु फैलता है। तो ये क्वेश्चन 5 का आपका आंसर ये सही हो जाएगा, माहू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, टमाटर के अगेती झुलसा रोग का कारक है। तो क्वेश्चन 6 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अल्टरनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नींबू आकार की पेपलेट सहित बीजाणु दानी बनती है। तो क्वेश्चन 7 का आपका आंसर ये सही है, फाइटोप्थेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, सकेंद्रिक घेरा एक प्रकार का है। तो यह टमाटर का अगेती झुलसा है, इसलिए क्वेश्चन 8 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, महान बंगाल महामारी किस वर्ष हुई थी। तो वह आपकी 1943 में हुई थी, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, धान के टुंगरो रोग का कारक है। तो यह क्वेश्चन 10 का आपका आंसर सी से जो है, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, धान के टुंगरो रोग का प्रसारण होता है। तो यह क्वेश्चन 11 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, नेफोटिटिक्स बाई रेंसस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, बैंगन की छोटी पत्ती रोग का कारक है। तो क्वेश्चन 12 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट डिजीज पुस्तक के लेखक हैं। तो वो आपके हैं RS सिंह, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, धान के भूरा धब्बा रोग का कारक है। तो यह क्वेश्चन 14 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, कोकलियो बुलस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, अस्टी लेगनिडिया वायरेंस रोग कारक है। तो यह धान का आवासीकरण। क्वेश्चन 15 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, धान के आवासीकरण को आवासीकरण क्यों कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 16 का आपका आंसर, तो क्वेश्चन 16 का आंसर ऐसे जो है, धानों में रोग कारक है, डिजीज कॉजेज इन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, तमाकू मोजेक विषाणु में समाविष्ट होता है। तो क्वेश्चन 17 का आपका आंसर ऐसे जो है, RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक TMV से संबंधित नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन 18 का आपका आंसर डी से स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, पादप विषाणु विज्ञान का जनक। तो वो है आपके ब्रिंजिक विजयन
विजय रिंग, इसलिए क्वेश्चन 19 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अरेयर की फाइटोप्थीरा झुलसा का प्रबंध होता है, तो यह क्वेश्चन 20 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, निम्नलिखित में ऐसे कौन रोगों के जैवीय प्रबंधन में उपयोग नहीं होता है, तो क्वेश्चन 21 का आपका आंसर डी सही होएगा, स्क्लेरोसिया सेल्पसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में कौन सी कवकनाशी की झोंका रोग के लिए प्रभावी है, तो क्वेश्चन 22 का आंसर ए सही होएगा, हेनोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अदरक के सॉफ्ट रोट रोग का कारक है, तो क्वेश्चन 23 का आपका आंसर ए सही होएगा, पीथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, घुइया के फाइटोप्थीरा झुलसा का प्रभावी नियंत्रण है, तो क्वेश्चन 24 का आपका आंसर ए सही होगा, रिडोमिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, बीन के जीवाणु झुलसा का कारण है, तो क्वेश्चन 25 का आपका आंसर बी सही होगा, जैंतोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, मक्के के डेंटल पिघलन का रोग कारक है, तो क्वेश्चन 26 का आपका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन 27 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्रूसी पर फसल के काला विगलन का रोग कारक है, तो क्वेश्चन 28 का आंसर ए सही हो, जैंथ्रोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, क्रूसी पर के एंटरनेरिया पर धब्बा रोग का विशेष लक्षण है, तो क्वेश्चन 29 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बैंगन के फॉर्मोप्स सीढ़ता रोग का कारक किस रूप में जीवित रहता है, तो रहता है आपका बीज में कवक जाल, इसलिए क्वेश्चन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 31 क्वेश्चन है आपका, स्क्लेरोटिनिया रोग कारक है, तो क्वेश्चन 31 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बीज जनित सीड बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बैंगन के स्क्लेरोटिनिया अंगमारी रोग की उपयुक्त नियंत्रण विधि है, तो क्वेश्चन 32 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हरी मूंग के सर को स्पूरा पर धब्बा रोग का कारक है, तो क्वेश्चन आपका 31 का, क्वेश्चन आपके 33 का आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सॉरी ये डी नहीं, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सर को स्पूरा बैटी कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मूंग के वेव अंगमारी रोग का कारक है, तो क्वेश्चन 34 का आंसर ए सही, राइजोक्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वेव अंगमारी रोग, तो क्वेश्चन 35 का आंसर डी सही होगा, मृदा जनित सोयल बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूंग के पीला मोजे रोग का विषाणु फैलता है, तो क्वेश्चन 36 का आपका आंसर सी सही होगा, सफ़ेद मक्खी द्वारा वाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पुरातन कवकनाशी है, तो वो आपका है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम संपीड़न का पदार्थ है, तो क्वेश्चन 38 का आपका आंसर डी सही होगा, अगार अगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, फंजाई एंड प्लांट डिसीज पुस्तक के लेखक है, तो वो है आपके बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, निम्नलिखित में कौन एक डिसऑर्डर है, तो ये यहाँ क्वेश्चन 40 का आंसर डी से ही उपयुक्त सभी। अगला, केले के वंशी टॉप विषाणु में अनुवांशिक है, तो क्वेश्चन 41 का आपका आंसर डी से ही होगा, DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड हेड अकाल जाँच आयोग संबंध है, तो क्वेश्चन 42 का आंसर ही सही हो, भूरा धब्बा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाव या के आकार का धब्बा बनता है, तो क्वेश्चन 43 का आंसर ही सही, धान में भूरा धब्बा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, तो क्वेश्चन हॉट एयर वोवन से किस प्रकार की वस्तुओं का निर्जीवीकरण करते हैं, तो क्वेश्चन 44 का आंसर आपका ये मिला नहीं है क्वेश्चन का आंसर, तो इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बोर्डेक मिश्रण खोज किस रोग के नियंत्रण के लिए थी, तो वो थी आपकी अंगूर का मृदु रोमिल, इसलिए क्वेश्चन 45 का आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झोंका रोग को प्रायः कहते हैं, तो इसका आंसर भी सही है, अमीर आदमी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषक से संबंधित है, तो 47 का आंसर ये सही हो जाएगा, धान का जीवाणु पड़ झुलसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, अरेर के उकटा रोग को प्रबंधन करने की अच्छी विधि है, इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है पीला श्रम मोजेक रोग का प्रसारण, तो इसका आपका आंसर 49 का सी सही हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी द्वारा।
50 है आपका रेयर का बंधता मौजिक विषाणु फैलता है। तो क्वेश्चन 50 का आपका आंसर ऐसे हो जाएगा माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोंका रोग का कारक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, मैग्ना पार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खैरा रोग सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो वो किया आपके YL नैनी ने। अगला है कि ज्वार के दीर्घकंड रोग का कारक है, तो क्वेश्चन 53 का आपका आंसर सी डी सही होएगा, टोल्पोस्पोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाजरे का बाल रहित रोग का कारण है, तो वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लेविसेप्स फ्यूजरियम रोग कारक है, तो वो आपके बाजरे का अर्गट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल रहित रोग है, तो बाल रहित आपका रोग वो है आपका लोकल डिजीज स्थानिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल रहित रोग को कहते हैं तो मृदुवासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूंगफली पर धब्बा रोग सबसे हानिकारक स्पीसीज है, तो वो आपकी माइकोस्पोरुला परसोनेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन सिगरोटा रोग है, तो वो है आपका केले का। अगला है भारत में केले के बंची टॉप रोग का विषाणु आया था, तो वो आया था आपका श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गए 60 पूरे। अब आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले अगले टेस्ट के आंसर की साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।